Myself Abhijala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 6 Forms of Business Organization 2. आज का हमारा question है difference between private company and public company. First point is number of member. Private company के अंदर minimum 2 person होते हैं as a member and should not increase more than 200. इसमें 200 से ज़्यादा बड़ों इंक्रीज नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी के अंदर बात करें तो मिनिमम मेंबर इज 7 पर पर्सन एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन अ मैक्सिमम मेंबर्स। सेकंड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ सेल। प्राइवेट कंपनी पुट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ सेल थ्रू इट्स आर्टिकल्स। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होते हैं थ्रू आर्टिकल्स इजीली ट्रांसफर सेल नहीं होते। पब्लिक कंपनी के सेल इजीली आप ट्रांसफर कर सकते। पॉइंट नंबर 3 इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी जो है शेयर और डिबेंचर के लिए इन्विटेशन नहीं दे सकते और प्रोस्पेक्टस भी इश्यू नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी शेयर एंड डिबेंचर परचेस करने के लिए पब्लिक को जो है वो प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है। पॉइंट नंबर 4 वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैन बी वन मैन कंपनी। वन पर्सन कंपनी कैन एंटर इन टू कॉन्टैक्ट विद ओनली वन मेंबर हु इज अ डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में दिया है पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी अ वन पर्सन कंपनी एंड पब्लिक कंपनी कैन नॉट डू अ सच कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 5 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स जिसमें एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 नेम ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करती है एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आर टू बी इंसर्ट आफ्टर द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी। विद अ लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली प्राइवेट कंपनी है तो सिर्फ प्राइवेट लिखती है। पब्लिक कंपनी वर्ड लिखती है लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी विद अ लिमिटेड लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 7 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज टू बी अ प्रीपेड एंड गेट रजिस्टर्ड कंपलसरी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जिसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। पब्लिक कंपनी में मॉडल आर्टिकल्स स्टेट इन अ शेड्यूल 1 आर एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली इन केस आर्टिकल आर नॉट प्रिपेयर्ड। जब आर्टिकल नॉट प्रिपेयर है अगर आर्टिकल प्रिपेयर नहीं किया है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली शेड्यूल 1 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन डज नॉट अप्लाई एंड पब्लिक कंपनी में अप्लाई होती है। पॉइंट नंबर 9 इश्यू ऑफ न्यू शेयर। इश्यू ऑफ न्यू शेयर कैन बी ऑफर टू अ पर्सन अदर देन द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी। नए शेयर इश्यू जब किए जाते हैं तब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को सबसे फर्स्ट शेयर इश्यू कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी में इश्यू ऑफ न्यू शेयर इज टू ऑफर अ फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी। जब फर्स्ट जो है अपने कंपनीज के मेंबर को प्राइवेट कंपनी के अंदर दिया गया है के मींस के कंपनी के मेंबर्स के अलावा जो मेंबर्स है उसको जो है वो शेयर इश्यू किए जाते हैं न्यू शेयर इसमें प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में ऑफर किए जाता है सबसे फर्स्ट तो अपने खुद के ही कंपनी के मेंबर्स को। सो फ्रेंड्स ये हमने डिफरेंस हम देख लिया डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सो नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तब तक मैं बोर्ड वर्क करके आता हूँ। सो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट दिया है मीनिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलंटरी मेंबर्स जो है वो ज्वाइन होते हैं एंड अपने खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए वो लोग ज्वाइन होते हैं। कंपनी इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू अर्न प्रॉफिट थ्रू अ लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी के अंदर मेंबर्स जुड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 मोटिव। मेन मोटिव इज सर्विसेज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव सर्विस होता है
economic development and upliftment of member, ये इनका main motive होता है. The motive of profit is a subsidiary. Company के अंदर main motive होता है only profit. Point number 3, number of members. Poverty society में minimum 10 members होते हैं and maximum no provisions, यानि कि maximum unlimited हो सकते हैं. कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम एज अ मेनी इन अ पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो सकते हैं. मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अप टू 200 इन अ प्राइवेट कंपनी. आगे बढ़ते हैं. प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करना इजी होता है बट कंपनी को स्टार्ट करना डिफिकल्ट, लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकती है. मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट इज रन इन अ डेमोक्रेटिक वे, अ सिंगल वोट पर मेंबर. कंपनी में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज ओनली इन अ प्रिंसिपल, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी बिकम इल्यूसिव ड्यू टू अ वोट पर मेंबर, जिसमें इल्यूसिव देखने को मिल सकता है, मिसलीडिंग मैनेजमेंट इसमें हो सकता है. एंड बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग जो है वो पर पर्सन पर मेंबर ही होता है एंड उसमें मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक होता है. पॉइंट नंबर 6, इश्यू ऑफ शेयर, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इश्यू शेयर कैरिंग इक्वल राइट्स एंड ऑफ द सेम टाइप्स. कंपनी कैन इश्यू प्रेफरेंस शेयर इन एडिशन टू इक्विटी शेयर. पॉइंट नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड एंड ऑफ अ मेंबरशिप, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर, मेंबर्स कैन ब्रिंग द एंड ऑफ मेंबरशिप बाय रिडेम्पशन ऑफ द शेयर ऑफ द सोसाइटी. मेंबर जो है वो शेयर को फॉरफीचर करके मेंबरशिप का एंड कर सकते हैं. कंपनी में शेयर कैन बी ट्रांसफर. पॉइंट नंबर 8, इफेक्ट ऑन अ शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन कैपिटल फंड एज द मेंबर कैन रिडीम द शेयर टू द सोसाइटी, जिसमें मेंबर जो है वो शेयर रिटर्न करके अपनी कैपिटल जो है वो वापस ले सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में. कंपनी के अंदर मेंबर्स के द्वारा शेयर का परचेस एंड सेलिंग होता है, जिसमें फंड के अंदर जो है वो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, सॉरी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. नो अल्ट्रेशन इन कैपिटल फंड बाय द परचेस एंड सेल ऑफ द शेयर बाय द मेंबर्स, इसमें कोई चेंजेस फंड में जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता. पॉइंट नंबर 9, यूज ऑफ प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज यूज टू गिव अ डिविडेंड टू अ मेंबर. कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट का यूज डिविडेंड देने के लिए होता है एंड द बेनिफिट ऑफ मेंबर सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ, मेंबर के बेनिफिट के लिए एंड सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ के लिए प्रॉफिट का यूज होता है. कंपनी में सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड टू अ मेंबर्स, मेंबर को जो है वो एज अ डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 कंप्लीट होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ एंड नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ. सो नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू से लेकर 5 मार्क तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको मेन नोटबुक्स के अंदर लिखने हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ. तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, जय माता दी.